घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जाने कि जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने जिद ना करो। नमस्कार, ये जो नज्म है ये आप सभी ने सुनी होगी अक्सर। यमन में बहुत प्रचलित एक नज्म है, ये बहुतों ने गाई है, बहुत से आर्टिस्ट ने गाई है। तो आज मैं ये मैंने क्यों गाई, आज मैं इसके जरिए आपको एक ताल का ही लेसन देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा और थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं आज आपको तीन नई तालों के बारे में बताऊंगा। बेसिकली नया कुछ नहीं है, वो हम ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं, प्रचलन में है, लेकिन हो सकता है वो आपने थोड़ा कम जाना हो, उनको उनका नाम कम पता हो, उनके बारे में कम पता हो, क्योंकि वो सिखाई कम ही जाती हैं, है ना। बिकॉज एज सच उनका क्लासिकल में बहुत कम प्रयोग है, लाइट की ज़्यादा ताले हैं, यानी भजन गीत गजल उन ठुमरियों में ज़्यादा बजाई जाती हैं। तो तीन ताले हैं, एक जो कि इसमें यूज आ रही है 14 मात्रा की ताल है दीपचंदी, और दूसरी मैं आपको बताऊंगा अद्दा तीन ताल, और तीसरा आपका कहरवा जो है भजन में कैसे बजता है, भजन का ठेका। ये तीन में इसीलिए मैंने स्पेसिफिक इन्हीं तीन को इसलिए चुना है बिकॉज इनमें एक चाल है। जैसे कि मैंने ताल और चाल पर एक वीडियो दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देखिएगा कि ताल से चाल कैसे डिफरेंट होती है ना। तालों के जो प्रकार हैं वो बेसिकली उनकी अलग अलग चालें हैं। तो उसी प्रकार ये जो 16 मात्रा की तीन ताल होती है और 16 ही मात्रा की अद्दा तीन ताल भी होती है ना, मगर उसमें फर्क क्या है उसके चलन का, उसकी चाल का। 8 मात्रा की कहरवा होती है और 8 ही मात्रा में भजन ठेका भी बजाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अब वो 8 मात्रा है तो गजल में बजेगी तो कैसे, ठुमरी में बजेगी तो कैसे, भजन में बजेगी तो कैसे, तो उनका जो चलन है वो आपको समझने की आवश्यकता है, है ना। तो आइए हम सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि ये जो नज्म थी इसमें लगती है दीपचंदी पीछे, जिसके 14 मात्रा है। जैसे कि आप जानते हैं झपताल, झपताल आप सभी को आती है, 10 मात्रा की ताल है, उसका विभाजन है 2-3-2-3 का। बस उस 2-3-2-3 के हर के बाद एक गैप आपको डालना है, 1-2-1-2-3-1-2-1-2-3-। तो ये 7-7-14 हो जाती है। इसका चलन ऐसा है, धा धिन बोल हैं इसके, धा धिन धा धा धिन, एक एक मात्रा हम छोड़ते जा रहे हैं, धा तिन ता ता धिन, ये इसका चलन जा रहा है, धा धिन धा धा धिन धा तिन ता ता धिन, ये दीपचंदी ताल है। अब ये इस नज्म में कैसे प्रयोग आ रही है, अब ये जो इसका जो मुकड़ा है वो यहां से उठ रहा है आपका 11वीं मात्रा से, आज जाने की जिद ना करो, धा धा धिन धा धिन ता ता। अब इसमें ये आपको देखने वाली बात है जो मैंने लास्ट में ता ता किया, क्योंकि अक्सर ये जो ताल है ये ता ता धिन इससे एंड होती है, लेकिन ऐसी बजती नहीं है, ये प्योर ठेका है इसका, प्योर वर्जन है, लेकिन ये वर्जन बजता नहीं है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है जिसमें लास्ट में ता ता, ये आपने इसका चलन सुना होगा, ता धिन धा धा धिन धा तिन ता ता। अब ये ता ता क्या है, जो ता यहां से जो आपका ता ता धिन आ रहा था, ता ता धिन, उसको ता ता ये कर दिया एक एक मात्रा के साथ, गैप के साथ 2 मात्राएं ऐड करी, ठीक है। तो ये इसका चलन है, अक्सर ऐसे ये बजाई जाती है, और भी कई गानों में आपको ये नजर आएगी। जैसे कि आपने वो गाना सुना होगा अग्निपथ मूवी का जो गाना है, अभी मुझ में कहीं, वो भी इसमें, अभी मुझ में कहीं, ये भी इसी चलन का, ये स्टोन को आप पकड़ना है, 1-2 ता 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 ता, है ना। जैसे डोर मूवी का गाना है वो ये हौसला कैसे झुके, उसमें भी ये प्रयोग आता है। कई बार होता है केसरिया वालम जो है वो भी 14 मात्रा में गाया जाता है, है ना। ऐसे आपने कई जगह इस ताल को सुना होगा, और कई हमारे भी गीत हैं, जैसे मेरी एक ठुमरी है वो भी इसी ताल में है। अब मैं आपको इतने सारे गानों के एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि इस ताल के चलन को आप समझें, ये ताल बार बार आप सुनेंगे तो ये चाल पहचान जाएंगे, फिर ये कहीं भी नए गाने में बजेगी तो आप सुन पाएंगे और पहचान पाएंगे। तो देखिए इसमें कैसे लग रही है इस ठुमरी में, कैसे कटे दिन रात सखी मोर, अज हूं न आए पिया,
अब आप देख सकते हैं कि कई बार लोग कहेंगे कि इसमें रूपक भी तो बजाई जा सकती है, क्या जरूरी है इतनी बड़ी ताल को बजाने की, रूपक भी सात मात्रा की वो भी बराबर ही आएगी, है ना, मात्राओं के हिसाब से देखा जाए तो बराबर आएगा। मगर क्या है, रूपक जो है बड़ी खड़ी खड़ी ताल है और उसमें लोच की कमी है, जो लोच हमारी इसमें दीपचंदी में आता है। और इसका छंद अलग है ना, रूपक का छंद भले ही तीन चार का हो, यानी तीन दो दो का हो, लेकिन इसका जो छंद है वो भी सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, चलन अलग है, इसीलिए हम इस ताल का प्रयोग करते हैं। आपने वो गाना सुना होगा चक दे इंडिया का, मौला मेरे ले ले मेरी जान, वो भी इसी में, मौला मेरे ले ले मेरी जान, है ना, तीजा तेरा रंग थमा तो, वो भी धा दिन धा धा दिन धा दिन ता ता, यही चलन है। तो इस चलन को आपको समझने की जरूरत है ना, धा दिन धा धा दिन धा दिन ता ता धिन, तो कैसे बज रही है वो, धा धिन धा धा धिन धा धिन ता ता धिन। है ना, ये उसका चलन आपने सुना। अब दूसरा चलन क्या बताया था, ये और कैसे बजती है, धा धिन धा धा धिन धा धिन। अद्दा तीन ताल जो कि 16 की है, उसके क्या बोल हैं, सबसे पहले तो उसके बोल हैं धा धिन धिंदा धा धिन धिंदा धा तिन धिंदा ता धिन धिंदा, वही तीन ताल के बोल हैं। इसको अक्सर लोग धा धीक धा धा तक धीक धा ऐसे भी बोला जाता है, धा तीक ता ता तक धीक धा ऐसे भी बोला जाता है इसको। बाकी इसके जो बजाते समय जो प्योर बोल यूज हो रहे हैं वो तीन ताल की है। अब इसमें कैसे जा रहा है, आप ये देखिए, बीच की जो दोनों मात्राएं आएंगी हर विभाग की, तीन ताल आप सभी जानते हैं चार चार के विभाग होते हैं, एक दो तीन चार। अब इसमें बीच की जो दोनों मात्राएं हैं वो दोनों ऑफ बीट में है और बाकी दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ हर विभाग की बीट में, धा धिन धिन धा, है ना। अब ऑफ बीट के लेसन आपको फॉलो करने पड़ेंगे तब जाके इस ताल को अच्छे से बोल पाओगे आप। धा एक धिन धा, है ना, ये जा रहा है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, है ना, ये इसका चलन है। ये अक्सर ठुमरियों में यूज होती है, फिल्मी गानों में, ओल्ड फिल्मी सॉन्ग्स में भी ये यूज हुई है ना, और हमारे भी कई भजनों में कई गीतों में इसका प्रयोग हुआ है। इसको अद्दा तीन ताल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कई बार ये आधी ही बजती है, मूवीज में आप देखेंगे तो ये पूरी 16 की नहीं 8 की भी बजती है, और 8 की कैसे बजाती है, था धिन धिन दा तत तक धिन धिन दा, यानी सिर्फ ये एक भरी का पोर्शन और एक खाली का पोर्शन ले लेते, एक तेरहवीं मात्रा का पोर्शन ले लेते हैं, तो था धिन धिंदा तत तक धिन धिंदा, ये खत्म हो गया, इतने में खत्म हो गया, है ना। ये आपको कई जगह यूज आता हुआ सुनाई देगा कई गानों में, जैसे कि आपने सुना होगा अलबेला सजन, है ना, उसमें यही ताल है, अलबेला सजन धा धीक धा तत तक धीक धा धा धीक धा तत तक धीक धा, है ना, धा धिन धिंदा तत्ता धिन धिंदा, ये चलन है उसका, है ना, आपने सुना होगा। पूछूं न कैसे मैंने रैन बिताई, धा धिन धिंदा धा धा धिन धिंदा, उसमें भी यही ताल है। ऐसे करके कई सारे गानों में यही ताल का प्रयोग होता है। जब आप इस ताल के चलन को पकड़ लेंगे तो आप उन में पहचानने की एक एबिलिटी रखेंगे कि आप दूसरे गानों में ये ताल पहचान पाए, ठीक है। धा धिन धिंदा धा धिन धिंदा धा धा वेरिएशन बजा है, था दिन धिंदा धा धा धिन धिंदा, है ना, बाकी जो दोनों है वो नॉर्मली थी, डबल कर दी फर्स्ट को, धा धा धिन धिंदा था तिन तिन ता 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 धिन धिंदा था धिन धिंदा धा धा धिन धिंदा, है ना। और ये तो हो गई 16 में, अब 8 में कैसे बजती है ये बताई थी मैंने आपको, धा धिन धिंदा तक धिन सजन।
16 में भी हो गया, 8 में भी हो गया, ये निर्भर करता है आपको कहां कौन सी गीत की बांट कैसी है, गीत के शब्द की बांट कैसी है उस पर डिपेंड करता है आप वहां 16 यूज करेंगे कि 8, है ना। कई बार ये भी समस्या आ जाती है। फिर आते हैं भजन ठेका पे, जो कि 8 मात्रा का ही होता है, जिसके बोले धिन्ना धिन्धिना धिन्ना तिन तिन्ना, है ना। कोई कई लोग इसको तिन्ना तिन्ना भी बजाते हैं, खाली पोर्शन को अपने अपने बजाने पर निर्भर करता है। अब इसमें भी बोल कैसे हैं, धिन्ना धिन्धिना धिन्ना, है ना, ये तो बराबर है, लेकिन ये जो दूसरी मात्रा है यहाँ पे डबल ना धिन दोनों साथ में आता है, और ये जो है धिन्ना धिन धिन, ये जो तीसरी मात्रा है ये ऑफ बीट में है, धिन ना धिन धिन ना, है ना, ये ऑफ में है और फिर ये तो बीट में ही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ बीट में है, सेकंड डबल में है और थर्ड ऑफ बीट में है। सेम तिन ना तिन तिन ना भी धिन ना तिन तिन ना धिन ना धिन धिन ना धिन ना तिन तिन ना, ये तो कई सारे भजनों में आपने सुना ही होगा। ये तो भजन हर दूसरे भजन में, अगर 8 मात्रा का भजन है तो उसमें ये ताल प्रयोग में आती ही है, ठीक है। धिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन अलग अलग लय में बजेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये तीन तालों को अभी समझा है। ऐसे ही आपको अन्य और भी ताले मिलेंगी, और भी एक वीडियो दिया है मैंने जिसमें मैंने कुछ प्रचलित और अप्रचलित तालों के ठेकों के बारे में बताया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखिएगा जरूर, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहे संगीत प्रो वर्ल्ड का चैनल, एंड डेली 8 बजे एक वीडियो रिलीज करने की हमारी कोशिश रहती है, अब तक सब तक एक नया टॉपिक पहुंचाने की कोशिश रहती है, तो जरूर देखें, और इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर जरूर फॉलो करें हमें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।